आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज है डेट 19 अगस्त 2021। आज का दिन हम फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आज के दिन हम बहुत अच्छे से फोटो खींचते हैं। वैसे तो पूरे सारे खींचते रहते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत स्पेशल है। तो यही वीडियो हम करने वाले हैं। हम जाएंगे बहुत अलग अलग लोकेशन पे, हम शूट करेंगे दिन से रात तक, बहुत मजा आएगा। अलग अलग लोकेशन रहेंगे, अलग अलग नज़ारे रहेंगे। एक लोकेशन आपको मेरे पीछे दिख रही है, हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को और खूबसूरत बनाने के लिए और शानदार बनाने के लिए मैंने चूज करी 3-4 लोकेशन, जो थी हुमायूं टॉम। ओके, सो वी आर एट आवर फर्स्ट लोकेशन, हुमायूं टॉम। भाई ये जगह मेरे को इतनी पसंद है, तो मैं सोचा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी यहीं आते हैं। मैग्निफिसेंट टॉम मेरे कैमरे के साथ, हुमायूं टॉम क्या बात है। तो भाई इसी जगह से मैंने यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग की थी। मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग यहीं का बनाया था, और भाई वो व्लॉग तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग था ना इसलिए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट्स ले लूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको फर्स्ट व्लॉग का हमारा, वो व्लॉग देख लेना। मैंने बहुत प्यारे प्यारे सिनेमेटिक शॉट्स लिए थे, आप वो देख लो जब तक मैं चिल करता हूँ और कुछ फोटो देता हूँ। देखियो खुफिया टॉम है यहाँ पे भाई, खुफिया टॉम ये है, बारबस टॉम। चले अंदर देख के आते हैं, मैं भी नहीं गया तो कभी, खाली पड़ा हुआ पूरा, कोई होगा ही नहीं यहाँ पे, सारे लोग वहाँ के निकल जाते हैं। भाई गंदगी बढ़िया, गंदा पड़ा हुआ है, देख रहे हो फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे फोटोग्राफी का ये है कि आप कैमरा ले लो, आप जहाँ भी जा रहे हो शूट करने, अपने आसपास के सराउंडिंग्स देखो कि आपको सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें सही लग रही हैं, स्टोरी बनाओ एलिमेंट्स को फोटो में लो ताकि स्टोरी बने इंटरेस्टिंग सी, फिर फोटो खींचो। ऐसे आप नॉर्मल खींचोगे तो फोटो में मज़ा आएगा नहीं कुछ। तो हमें व्हाइट टॉम में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, हमने ज़्यादा फोटोज़ नहीं खींची, एक तो बहुत भीड़ थी, ऊपर से इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं हमें, इसलिए हम पहुंचे अपने सेकेंड लोकेशन पे जो थी लोधियार डिस्ट्रिक्ट। बहुत कलरफुल सी वॉल्स थी हमारी, और पता किस पे, अरे बाइक पे नहीं यार, यूनोसाइकल्स पे। हमें अभी लोधियार डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे रोड्स हैं यहाँ पे, और रोड्स पे लोगों ने पेंटिंग बना रखी बहुत अच्छे अच्छे। ये पेंटिंग है मोनालिसा की, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये देखो ध्यान से क्या सुंदर पेंटिंग बना रखी है मोनालिसा लग नहीं रही से ये, और मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग बना रखी है, ये वाली बहुत तगड़ी है भाई, बहुत प्यारी बना रखी है। ऐसी दीवारें बहुत सारी पेंटिंग है, आपको दिखा दूँ बारी बारी करके, शॉर्ट्स आप देख चुके हो, अब यूट्यूब पर फिर से चलते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई सीधा पूरी लोधियार डिस्ट्रिक्ट है, और आगे पीछे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है, मैं दिखाता हूँ अभी, लोग यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं अपना। और एक दीवार ये रही बढ़िया सी सुंदर सी, दिस इज़ वन वॉल, ये है दूसरी वॉल, ओए रुक जा, देखो इसके तो बढ़िया लग रहा है, ये देखोगे तो प्यारा बनाया हुआ है, मतलब नहीं पता मेरे को लेकिन अलग बढ़िया रहा है, ये वाला बहुत अच्छा है। ओए और कहाँ कहाँ पे है, पीछे है पीछे, ये गाइस एक और पेंटिंग, एंड दिस इज ऑल्सो पेंटिंग, आपको ये नज़ारे हमारे ब्लॉग में देखने को मिल सकते हैं, बस किसी और की वीडियोज़ मत देखना। देखो गाइस आपको इस पेंटिंग में क्या स्टोरी नज़र आती है, यहाँ पे ये भी है, एक लोटस भी है, ऊपर बंदर है, वहाँ पे हार्ट है, वहाँ बंदर है। तो स्टोरी ये बनती है कि ये इसको हार्ट दे रहा है, वो कह रही है भाग जाए यहाँ से वरना अपने बंदे बुला लूँगी फिर ना लड़का बोलता है कि तू अपने बंदे बुलाएगी, मैं अपने बंदे बुलाता हूँ, फिर उसने बंदर बुला लिया। भाई अब लग रही बहुत ज़्यादा भूख, कुछ खाएं चलते हैं क्योंकि पेट पूजा जरूरी है, उसके बाद करेंगे काम दूजा। यहाँ आसपास कुछ मिलेगा नहीं, स्ट्रीट फूड मिल सकता है, छोले भटूरे, समोसे एंड लस्सी, लेट्स गो। मैंने खाए समोसे भी अच्छा मिला नहीं यहाँ पे, एंड पेप्सी गाइस। तो भी हमारा खाना पीना हो गया है, मस्त खा पी लिया हमने, भाई चिपका दे गाड़ी से, गाड़ी को मत करो लगे लेंगे। तो खाना पीना हो गया खत्म, मस्त खा पी ले, ओ भाई तो पागल है भाई, गिर जाएगा, चलानी नहीं आती तेरे को, चलानी आ जाएगी, टक्कर मार रहा है मेरे को। तो खाना पीना हो चुका है, तीसरे बार बोल रहा हूँ, जिस खाना पीना हो चुका है, तो खाना पीना हो चुका है, हम निकल रहे हैं किसी लोकेशन पे जो है, और अगर तेज चला लो और तेज चला लो, तो तीसरे लोकेशन वो है सफदरजंग टॉम, वहाँ पे लाइट जलती है, बहुत मज़ा आने वाला है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। तो बात ये है कि हमारी जो यूलू की साइकिल है वो है 90 मिनट की, और अभी हमें 1 घंटा हुआ है, हमारे पास 30 मिनट फालतू बचे हैं, तो हम पहले 30 मिनट ऐसे घुमाएंगे फिर जाएंगे उस लोकेशन पे। तो भाई हमारी यूलू होती खत्म, हम जा रहे हैं आप लोकेशन की तरफ, आप मेरे पीछे देख सकते हो सनसेट हो रहा है, मेरे पीछे अभी पेड़ पेड़ है, सॉरी गाइस, लेकिन यहाँ पे सनसेट होने वाला है, और सनसेट में जगह की वाइब बहुत अलग होती है, फोटो स्थानी अच्छी दिव्या जो वहाँ जा रहा है। तो भाई तो शानदार दिन जा रहा है, तो इस दिन की एंडिंग भी बहुत खतरनाक आलिशान शानदार होनी चाहिए ना, तो इसलिए पहुंचे हम अपनी थर्ड लोकेशन पे।
ये मेरा बना हुआ फेवरेट डॉम है, मेरे को यहाँ बहुत मज़ा आता है शूटिंग करने में। दिल्ली से मेरे को बहुत प्यार है, दिल्ली की मुझे हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अगर आप यहाँ दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली में यहाँ पर जरूर आना सदर्न डॉम में। रात को आना, रात को लाइट जलती है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है, चिल वाइब्स होती हैं और सनसेट के नज़ारे देखने के बाद उधर पर कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। इतना खाली ग्राउंड है नीचे, इतना खाली ग्राउंड है, मन करते हैं क्रिकेट खेलते रहें या फुटबॉल खेलते रहें। मुझे खाली ग्राउंड देखना, क्रिकेट या फुटबॉल याद आता है, हमारे वहाँ तो है नहीं यार, बच्चे खेलते नहीं कोई। आपको पता है सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, लाइक मैं सुबह ब्रेकफास्ट गया था, उसके बाद मैं शूट पे आ गया था, उसके बाद खाने का टाइम नहीं मिला, एक जगह हम रुके खाने के लिए, वहाँ पे मैंने बस एक समोसे खाया है और उसके बाद बस मैंने कोक ही पी है, ओनली कोक। अब यहाँ से निकलूँगा मैं रात को तो डिनर ही करूँगा सीधा फिर, एंड अभी मैं शूट कर रहा हूँ उसको 19 अगस्त को जब वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, एंड ब्लॉग मोस्ट प्रॉब्ली 20 या 21 को आ जाएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे से एडिट करूँ, अच्छे से प्रेजेंट करूँ अपनी स्टोरी। तो मेरे पीछे है सफदरजंग टॉम, सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हो इस चीज़ में। अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट में लाइट जलने वाली है और जब लाइट जलेगी ना उसके नज़ारे बेहतरीन आलिशान खूबसूरत होंगे। और जैसे मैंने यही बोला, सनसेट हो ही रहा था और सनसेट में मज़ा आता है एक वाइब का, जिसको हम बोलते हैं लोफी एस्थेटिक वाइब्स। सनसेट गाइस, कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत। मेरे को सनसेट सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको सनराइज पसंद है, सनसेट पसंद है, देखते कितने लोगों की चॉइस मेरे सिमिलर होती है। और कुछ ही देर में वहाँ की लाइट जलती है और वहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे थे। जब भी मैं ये सारे शॉर्ट्स दे रहा था, मेरे मन में एक पोइट्री चल रही थी बहुत फेमस, सुनना चाहेंगे? दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलता रहूँगा आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।